हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। और अब इसके बाद हम जो जा रहे हैं टॉपिक पढ़ने, उसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्जन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर को हिंदी में तापमान भी बोलते हैं, बट आपको हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर जनरली जो मेजर होता है वो दो तरह से होता है। इधर इट विल बी एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस और द सेकेंड वन इज इन केल्विन। तो आपको याद क्या रखना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो भी हो, ठीक है, आपको बेसिकली इन दोनों का कन्वर्जन बेसिक याद होना चाहिए। आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, बट केमिस्ट्री में भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज जितनी भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस की है, अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस 273 ऐड करना होगा। सो दैट मीन्स अगर 5 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, 5 प्लस 273 किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन। अच्छा, एक और बात मैं बोलता हूँ, सपोज ऐसे ही मैंने 278 केल्विन लिख दिया और मैंने बोला कि उसको आप डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस करो, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब अगर सपोज हमें उल्टा करना होगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें 273 हमने ऐड किया था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे, तो यानी ये कितना आ गया, अगेन 5 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप ये थोड़ा सा आपको ईजी लगा होगा, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लैटेंट हीट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लैटेंट हीट होता क्या है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस, हम आइस की बात करते हैं, आइस वाटर में टर्न हो रहा है, तो आप मुझे ये बताना, जब आइस मेल्ट होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व भी करना, एक थर्मोमीटर ले लेना, एक ग्लास के अंदर जो आइस रखा हुआ है, तब तक थर्मोमीटर आप अंदर रखे रहना जब तक वो पूरा वाटर में चेंज नहीं हो जाता। आपको एक चीज ऑब्जर्व होगा, जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में नहीं टर्न हो जाता है, तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करता है। यानी वो जो हम हीट, उसको हिडन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से वो सॉलिड किस में टर्न हो जा रहा है, लिक्विड में, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ पर्टिकुलर। अगर मान लो सॉलिड टू लिक्विड करने के लिए जो एनर्जी दे रहे, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मान लो मैंने उसी को अपोजिट बोल दिया, लिक्विड टू गैसेस हो रहे हैं, सो दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर वही सेम डेफिनेशन जो मैंने बोला, मैं बात करूं अगर फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड होता है, फ्यूजन यानी मेल्टिंग, तो सॉलिड टू लिक्विड होता है। तो आपको बताना है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में टर्न करने के लिए, इनटू व्हाट, लिक्विड विदाउट एनी रेज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सेम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए भी, तो वेपराइजेशन तो आपको पता होगा लिक्विड टू गैस होता है, यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम दें 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए, किसमें, इनटू वेपर, बिना किसी टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक पूरा लिक्विड गैसेस में टर्न ना हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है कि 22.5 × 10⁵ जूल हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा था टेम्परेचर नहीं चेंज करना है हमें, वो एग्जैक्टली 100 डिग्री। और सेम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 3.34 × 10⁵ जूल ऑफ हीट एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है 1 किलोग्राम ऑफ आइस को किसमें टर्न करने के लिए, वाटर में। तो ये बेसिक पॉइंट है, मैं अभी आपको इसको नोट्स थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इवापोरेशन। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था इवापोरेशन क्या होता है, जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैसेस स्टेट में बाय द एक्शन ऑफ हीट, बट याद रखना वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इवापोरेशन डिपेंड करता है, तो देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड। मैंने इनको एक अलग कॉलम में रख लिया है और ह्यूमिडिटी को अलग कॉलम में रख लिया है। थोड़ा सा ट्रिक है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको इजी पड़े। तो ये तीनों चीजें याद रखना, जब बढ़ेंगी तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और इसी का उल्टा कौन है, ह्यूमिडिटी, यानी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन क्या होगा, घटने लगे। अब एक छोटा सा पहले हम एग्जांपल लेते हैं सभी के लिए, सपोज हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, धूप किसी दिन बहुत तेजी से हो और किसी दिन धूप बहुत कम हो, आप कपड़े जाओ छत पे सुखाने, तो कौन सा जल्दी सूख जाता है, जिस दिन धूप तेज हो, यानी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवापोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा सरफेस एरिया वाला एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात बताना मुझे,
आप कपड़े जब जाते हो सुखाने, दो तरह से कपड़े आप कभी जाओ सुखाने, एक में क्या करो कपड़े पूरा अच्छे से बंद करके और ऐसे बस खाली टांग दो, और एक दूसरे में क्या कपड़े को अच्छे से फैला दिया और उसके बाद टांग दिया, तो ये बताओ कौन तेजी से सूख जाएगा भैया? जो अच्छे से फैला हुआ है यानी जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा है वो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे उनके लिक्विड। थर्ड विंड स्पीड, धूप हो ही नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं घर में पंखा चला दिया, और एक रूम में पंखा नहीं चला दो जगह कपड़ा टांगा, ये बताओ कहां जल्दी सूख जाएगा? जहां पंखा चल रहा है यानी विंड स्पीड तेज हवाएं जहां तेज चल रही होंगी वहां इजिली हो जाएगा। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये तीनों में से कोई भी बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी अपोजिट है, ह्यूमिडिटी नमी होता है। सपोज मैं ठंडी की बात कर रहा हूँ, ओस गिर रहा है और आप छत पे गए कपड़ा टांगने, तो क्या होगा? कपड़ा और भीग जाएगा, सूखेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। अच्छा, इसका पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मटके का बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन मतलब वही घड़ा, आप उसमें पानी रखते हो तो पानी हमेशा ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है, बहुत देर बाद गर्म होता है। क्यों? उसके पीछे जो रीजन है उसका यही टॉपिक है, दैट इज कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। आपको बस एक टॉपिक इसमें जो समझना है वो क्या है कि जब लिक्विड इवेपोरेट्स होता है तो एनर्जी लिक्विड से क्या होती है, रिलीज हो जाती है। उसके वजह से देखो एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, वो अगर रिमूव हो जा रही है तो कॉमन सी बात है ना कि लिक्विड कूल ही रहेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में जब पूछे जाएंगे कि ये क्यों कूल हो रहा है, हमें स्वेट के बाद हमें क्यों ठंडी लगती है, तो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी तो निकल गई, तो बॉडी क्या है हमारी, कूल है। इन सारे टॉपिक को आप बेटा थोड़ा अच्छे से देख लेना। चैप्टर 1 खत्म हो गया है, मैं आपको इसका नोट्स फॉरवर्ड भी कर दे रहा हूँ। थैंक यू।